नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र 3 लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये मेरा चौथा लेक्चर है और इसमें मैं सितंबर 2013 के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी आंसर की आपके आपको सही नहीं लग रही या मैच नहीं कर रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट में क्वेश्चन को लिखिए, क्योंकि मेरे पास जो ऑफिशियल आंसर की है और दूसरी जो बुक मेरे पास है उसमें भी कई बार मैच नहीं करती है। और आपको पता ही है CBSE की अपनी ऑफिशियल की चैलेंज की जाती है, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन हमेशा चैलेंज किए जाते हैं, तो बाद में वो भी सही होते हैं। तो आपने प्लीज़ कमेंट कर देना है। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? इतिहासवाद, अति तथ्यकतावाद, नैतिक सापेक्षवाद। दोस्तों, ये तीनों के तीन हैं। इतिहासवाद और नैतिक सापेक्षवाद को डेविड ईस्टन ने दोषी ठहराया है, और अति तथ्यवाद को भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सभी। निम्नलिखित में से कौन संदर्भवाद का व्याख्या नहीं है? कॉन्टेक्स्टुअलिज्म का जो व्याख्याता नहीं है वो है विटगेंस्टीन। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक नहीं है? पोपर ने एनिमी बोला है प्लेटो को, ओपन सोसाइटी का। बर्लिन ने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंदर प्लेटो की आलोचना की है। क्रॉसमैन आपको पता है सबसे बड़े आलोचक है। जो लेविंसन है वो बहुत ज़्यादा प्रशंसक है प्लेटो के। निम्नलिखित, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया? अरस्तु की बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। और जो नागरिक इन्होंने किसे माना है, इन्होंने महिलाओं को, दासों को और बच्चों को नागरिक नहीं माना है इन्होंने, और जो वर्कर वगैरह है उनको नागरिक नहीं माना है अरस्तु ने, ये बात आपने याद रखनी है। निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है? नाममात्रवाद मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है, लोगों के राजनीतिक जो अधिकार है वो नाम मात्र के है, तो निरंकुश प्रभुसत्ता की बात यहाँ पे किसने की थी? हॉब्स ने। तो कौन है इससे रिलेटेड? हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन लॉक रचित 2 ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? आपको पता है रॉबर्ट फिल्मर ने लिखी थी पैट्रियार्का, जिसमें उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जैसा एक पिता और पुत्र के बीच रिलेशन होता है, वैसा ही जनता और राजा के बीच होता है। जैसे पुत्र को ना अच्छे और भले का पता नहीं होता है तो पिता उसको गाइड करता है, वैसे ही राजा को गाइड करना चाहिए अपनी प्रजा को, क्योंकि प्रजा को कुछ पता ही नहीं है। उसी के विरोध में जॉन लॉक ने 2 ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। सामान्य वसीयत अंकित करती है, सामान्य वसीयत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं हिंदी वालों को, ये जनरल विल है, तो जनरल विल मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत, मेरी विल बिल्कुल सही, मेरी भी हो सकती है अगर मैं सही हूँ और समाज के भले के बारे में सोचता हूँ। ग्रुप माइंड, बिल्कुल ग्रुप माइंड भी है अगर ग्रुप समाज के भले के बारे में सोच रही है। एक सर्वमान्य मैं, बिल्कुल ये चारों के चारों है, तो उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेबर के रूप में कल्पित किया? दोस्तों, ये होम फेबर नहीं है, ये होमो फेबर है। होमो फेबर का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक ही साइड के बारे में सोचता है, एक ही चीज़ के बारे में सोचता है एक टाइम में, ठीक है। होमो फेबर की बात की है कार्ल मार्क्स ने पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, व्यक्ति को होमो फेबर कार्ल मार्क्स ने बोला है। निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं, तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचाना होता है? ये लेनिन ने बात कही थी और यही इनकी एक बेसिक अजम्पशन है जिसके आधार पर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को सही ठहराया है। क्वेश्चन नंबर 10, जहां तक अरविंदो के विश्वास का संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है।
यह विश्वास कि उनकी शिक्षा और प्रतिभा ईश्वर की है, जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही, इनको संत भी बोला जाता है। आपको पता है इनको संत भी बोला जाता है, तो संतों जैसी बातें यहाँ पे आ रही है। उनका संकल्प कि वे केवल ईश्वर के नाम का जाप ही नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध भी करेंगे, जो कि इन्होंने 1910 के अंदर कहा है कि इन्हें ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध हुआ था, उसके बाद ये पौंडीचेरी चले गए थे। उनकी दृढ़ धारणा थी कि वह देश को एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि माता मानते हैं, भारत माता। ठीक है, भारत माता का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया, तो ये सारे सही है अरविंदो के बारे में। मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की थी? M.N. रॉय ने मार्क्सवादी जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था उसकी आलोचना की थी। मार्क्सवादी क्या बोलते थे? मार्क्स बोलते थे जो अतिरिक्त मूल्य है इससे क्या है, शोषण होता है। लेकिन M.N. रॉय ने बोला कि इससे शोषण ही नहीं होता, इससे विकास भी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो धर्म को जानते ही नहीं है। ये M.K. गांधी ने बोला था। और M.K. गांधी ने ये क्यों बोला? क्योंकि ये धर्म के द्वारा राजनीति को सुधारना चाहते थे, राजनेताओं को धर्म के द्वारा ये नैतिकता उनकी मतलब मॉरल रूप से उनको ये अच्छा करना चाह रहे थे M.K. गांधी। F.A. हेक द्वारा रचित पुस्तकों का सही कालक्रम आपने बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं हमें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डीपली इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बुक्स तो हमें याद होती है कि किसने कौन सी लिखी है, लेकिन कालक्रम याद नहीं होता है। तो द रोड टू सर्फडम इनकी सबसे पहली बुक है। मैं आपको बता दूँ, इन्होंने अबाउट 40 बुक्स लिखी है, 40 बुक्स में से ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है। द रोड टू सर्फडम 1944 के अंदर लिखी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इन्होंने 16 साल बाद लिखी है, उसके बाद 1960 के अंदर। उसके बाद रूल्स एंड ऑर्डर लिखी है इन्होंने 1973 में, और 1976 में लिखी है द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। तो 13 का यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, 4312। क्वेश्चन नंबर 14, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, और ये बिल्कुल जून 2013 का क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू रिपीट हुआ है। माइकल सैंडल आपको पता है, माइकल सैंडल ने लिखी है लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस, पिछली बार भी मैं आपको बता चुका हूँ। और माइकल वॉल्जार रही है, वॉल्टजर पिछली बार भी सेम ही दिया था। माइकल वॉल्जार ने लिखी है स्पियर्स ऑफ जस्टिस अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी। W. किमलिका ने लिखी है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, और R.J. बर्नस्टीन ने लिखी है द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरी। तो 14 का करेक्ट आंसर है B, 4321, B करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि सेबाइन ने कहा है कि महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि एथेंस के अंदर क्या था, एथेंस और स्पार्टा के अंदर क्या था, बहुत ही ज़्यादा अशांति थी वहाँ पे, क्रांतियाँ होती रहती थी और सामाजिक संकट उत्पन्न होते रहते थे। उसी कारण क्या है, प्लेटो और अरस्तु ने बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत उत्पन्न किए। तो ये सेबाइन ने बिल्कुल बोला है, कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं होता है। जो भी राजनीतिक सिद्धांत उस टाइम उन्होंने उभारे थे वो कभी भी निष्काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अभी भी हमारे काम आते हैं, ये भी इन्होंने बात कही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और R.A. का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 16, और इसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, ये आमंड और वर्मा ने जो सिविक कल्चर की बात की है ना, सिविक कल्चर इन्होंने बुक लिखी है, उसके अंदर इन्होंने संकीर्ण संस्कृति के लोगों का निम्न कम होता है मतलब, तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना किसी संकीर्ण पैरोकियल संस्कृति के अंदर, तो उनका क्या कम होता है वो आपको बताना है। तो ये सारा का सारा कम होता है, आप इसको एक बार प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो एक बना रहा हूँ पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लॉक मतदान व्यवस्था को डेश भी कहा जाता है। ब्लॉक मतदान को एक और भी बोला जाता है पोल, जिससे पोल होता है ना, बस पोल को आपने क्रॉस कर जाना है आप जीत जाओगे, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय किसके पास भेजा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। एसपी हडिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास तब होता है जब बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण कम होता है, तभी डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज पॉलिटिकल डिके होगा। ये मॉडल दिए हैं और मॉडल की क्या विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनके लिए जो दिमाग लगाते हैं। पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल, पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल में क्या होता है, राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की मनोवैज्ञानिक संप्रतिकता, ठीक है। ये पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल में क्या होता है, राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की मनोवैज्ञानिक संप्रतिकता, ठीक है। सोशियोलॉजिकल मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल मतलब सोसाइटी से जुड़ा है, तो क्या है, समूह सदस्यता को मतदान व्यवहार से जोड़ने से रिलेटेड है। नेशनल चॉइस मॉडल, सो सिंपल, राष्ट्रीयकर्ता को मतदान करना यानी नेशनल पार्टी को मतदान करना, नेशनल चॉइस। डोमिनेंट आइडियोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर क्या है, वैचारिक कौशल की प्रक्रिया द्वारा मतदान को रूप दिया जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर है सी, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 21, समेकित तथा विभक्त सरकार की संकल्पना का आविष्कार यूएसए में हुआ है, विभक्त सरकार का क्या अर्थ है, ठीक है। यूनिफाइड एंड डिवाइडेड गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल यूएसए के अंदर हुआ है। डिवाइडेड गवर्नमेंट क्या होती है वो आपने बतानी है। तो डिवाइडेड गवर्नमेंट होती है कि राष्ट्रपति एक पार्टी से होता है और दूसरी पार्टी, मतलब जो सीनेट पर नियंत्रण किसका होता है, कांग्रेस का, कि राष्ट्रपति एक पार्टी के पास रहता है तथा कांग्रेस प्रतिनिधि दूसरी पार्टी के साथ। तो बिल्कुल सही, ये भी दोनों सही है, मतलब डिवाइड हो रहा है ना, एक राष्ट्रपति एक साइड है, दूसरी पार्टी दूसरी साइड है, तो दोनों में सेम आ रहा है कि राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है तथा कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडलों पर दूसरी पार्टी का नियंत्रण होता है। तो ये भी यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल डिवाइड की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति पद तथा कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडलों पर एक ही पार्टी का नियंत्रण होता है। जहाँ पे एक ही पार्टी का नियंत्रण होता है ना, वो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पे, ना कि डिवाइड एंड डिवाइड होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 सी, इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ संस्थानीकरण के रूप में मानते हैं? ये मानते हैं हेलियो, पता नहीं क्या हो रहा है, हेलियो जैकोबी। क्वेश्चन नंबर 23, और ये मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी है और लेखक के साथ आपने मैच करना है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के साथ जुड़े हैं डेनियर लर्नर, और ये रिपीट हुआ है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या संरचनात्मक विचारधारा के साथ जुड़े हैं जी ए आमंड। मानकीय विचारधारा के साथ जुड़े हैं शेल्डन वुलिन, और उत्तर आधुनिकतावादी आपको पता है लियोटार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4 ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें थिंकर दिए हैं, थिंकर के साथ आपको क्या करना है, उनकी पुस्तकें मैच करनी है। तो देखते हैं इसको, सबसे पहले है वाल्टर रोडनी। वाल्टर रोडनी ने लिखी है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, जी ऑफ्रे के ने लिखी है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस, रोनाल्ड एच चिलकोटे ने लिखी है थियोरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, जोसेफ शुम्पीटर ने लिखी है इंपीरियलिज्म सोशल क्लासेस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25, द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चिस तथा द एंटी सैल्यून लीग नामक दो प्रभावक गुट है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। उन विविध प्रयोजनों को बताइए
जो जेम्स विल्सन ने हित समूहों में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किए थे कि आखिर कोई व्यक्ति क्यों हित समूह में जाता है। सबसे पहला तो उन्होंने बताया था साधक, साधक मतलब उन्होंने अपना कोई काम साधना है, जैसे साधक राज्य होता है ना अपने काम साधने के लिए, सोदेश्य हमारा कोई पर्पज होता है तभी हम किसी राजनीतिक हित समूह में जाते हैं, सॉरी हम हित समूह में जाते हैं। उसके बाद अभिव्यंजक मतलब एक्सप्रेस करना अपनी ज़रूरतों को अपनी मांगों को, लेकिन कभी भी हम प्रोत्साहन इंसेंटिव के लिए राजनीतिक दलों में नहीं जाते हैं। कॉमन सेंस आप यूज करोगे, भले ही आपको विल्सन यहाँ पे नहीं पता है इनके बारे में, लेकिन कॉमन सेंस से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया है? ये किया है थेडा स्कोकपोल ने, और ये रिवॉल्यूशन से जुड़े हैं, क्रांति से जुड़े हैं थेडा स्कोकपोल। क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पे सूची एक को सूची दो से मिलाना है, और ये थ्योरीज दी है इनकी यहाँ पे। सबसे पहले देखो प्रबंधकीय क्रांति, प्रबंधकीय क्रांति लिखी है बर्नहैम ने, प्रबंधकीय क्रांति लिखी है बर्नहैम ने, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन इसको बोला जाता है, और ये एलिट थ्योरी के अंदर इन्होंने दिया है। उसके बाद सहभागी प्रजातंत्र आपको पता ही है, ये पैटमैन ने दिया है, और राज्य का साधक सिद्धांत मिलीबैंड ने दिया है। तो लास्ट बचा गुट दल तथा प्रभावक गुटों के साथ व्यवस्था, रॉबर्ट डहल ने दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29, निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों लिस्ट सिस्टम जर्मनी के अंदर है, इसके अंदर क्या होता है, केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं, और दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2 और 4, डी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कभी भी इसमें एकल चुनाव क्षेत्र नहीं होता है, और मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए कभी भी वोट नहीं डालते, ये पूरी पार्टी के लिए वोट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लुशन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 मुख्य संघटकों ईसीडी मॉडल समानता क्षमता और विभेदीकरण की शिनाख्त की है। उच्च स्तर पर विभेदीकरण विकास तथा क्षमता निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। दोस्तों आपको अगर यहाँ पे रीजन का पता भी नहीं है ना, आप ईसीडी मॉडल, यहाँ पे समानता क्षमता और विभेदीकरण की बात की जा रही है, और रीजन में भी की जा रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 31, ये प्रधानमंत्री है, आपको उनके कार्यकाल के साथ इसको मैच करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे चंद्रशेखर सबसे पहले इसमें प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि 10 जून 1990 से 91 तक रहे हैं। उसके बाद आपके रहे हैं आई के गुजराल रहे हैं 1996 से 1997। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की इनकी गवर्नमेंट थी, 16 मई 1996 से जून 1, 1996। एस डी देवीगौड़ा रहे हैं 1997 से 98 तक। तो 31 का यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32, बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम आपको बताना है। दोस्तों जब भी बजट हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वित्त विधेयक पेश किया जाता है, फिर उसके ऊपर सामान्य चर्चा होती है, फिर अनुदानों पर मतदान होता है, और सबसे लास्ट में विनियोजन विधेयक लाया जाता है। तो 32 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जीविका के पर्याप्त साधनों पर अधिकार बिल्कुल है, राज्य पोषण जीवन निर्वाह का स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास, और कुटीर उद्योगों को विकसित करना, ये तीनों के तीनों राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि या संस्कृति का संरक्षण मौलिक अधिकारों के अंदर दिया है, ठीक है। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य सिर्फ नाम मात्र का प्रधानमंत्री होता है, राज्य नहीं होता है। अब हिंदी वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफी की जाती है, अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो प्रेसिडेंट यहाँ पे लिखा है, प्रेसिडेंट क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। तो ये बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है। अगर हम हिंदी के ऊपर इसमें जाएं, अगर इसको हिंदी में अगर इसको मैच करने की कोशिश करें, तो आर यहाँ पे बिल्कुल गलत आ रहा है,
अगर इंग्लिश में मैच करे तो ए और आर दोनों सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, धन विधेयक संसद के सिर्फ निम्न सदन में उद्भूत होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे मनी बिल है वो केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं। संसद का निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित निकाय होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी सदन है, इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, धन विधेयक को लाया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से केवल राज्यसभा की ही समितियाँ कौन सी है? दोस्तों समितियाँ आपने देख लेनी है, जॉइंट समिति कौन सी है, एक्सक्लूसिव ऑन राज्यसभा कौन सी है, एक्सक्लूसिव ऑन लोकसभा कौन सी है। तो दोस्तों ये जो तीन यहाँ पे दी है, ये तीनों की तीन एक्सक्लूसिव है राज्यसभा की, लेकिन ये जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान समिति है ये जॉइंट समिति है। तो एक दो तीन इसका करेक्ट आंसर है। तो 36 का हमारे पास करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई हैं के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 सदस्य। पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है जोया हसन ने, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की देन है? भारतीय संविधान की देन कौन सी है? निजी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है निजी शैक्षिक संस्थाओं में। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती है सरकारी में, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, ये दोनों गलत है। निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है वो उसमें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले या ना ले। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40, किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दोस्तों ताबलीग आंदोलन एक मुस्लिम धर्म को मुस्लिम धर्म या मोहम्मद पैगंबर का आदेश पहुंचाने के लिए 1926 के अंदर चलाया गया था, और जो इसके प्रोपाउंडर थे या जिन्होंने ये चलाया था वो थे मोहम्मद इलियास अल खंदावली। अब यहाँ पे तेलंगाना आंदोलन से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तेलंगाना आंदोलन भले ही अब अलग राज्य की मांग के लिए अभी चला है, लेकिन पहले ये किसान आंदोलन था। निम्नलिखित में से किस उपवाक्य का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया है? ये क्या है, कल्पित राष्ट्रवाद या कल्पित समुदाय, इसको बोला जाता है इमेजिन्ड कम्युनिटी। इंग्लिश में बहुत ईजी है याद रखने के लिए, इमेजिन्ड कम्युनिटी लिखी है बेनेडिक्ट एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में शासन योग्यता के संकट के संबंध में अतुल कोहली की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? और इसमें भी दोस्तों आपने कॉमन सेंस लगानी है। इसका जो करेक्ट आंसर है एक दो तीन है, केंद्रीकरण और विकास, इन तीनों के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे चार इसका नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ए है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, लेखक और उनके साथ जुड़े हुए उनके विचार, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया है लॉयड एंड सुसाने रुडोल्फ, रॉयल एंड सुसेन रुडोल्फ, इनका जो विचार है भारतीय राज्य समूह तथा बहुवाद अंता स्थापित है। उसके बाद हमारे पास दिया है बी, पार्थो चटर्जी जुड़े हैं राज्य संसाधनों का प्रधान आबंटक तथा सामाजिक समूहों में प्रधान सुकर्ता या सुसाध्यकर्ता। उसके बाद है फ्रेंकेल एवं MSA रॉय, ये जुड़े हैं लोक संस्थाओं तथा राजनीतिक संस्थाओं के बीच लोकतांत्रिक राजनीति विपाटन से। हमजा अलवी जुड़े हैं अति विकसित उत्तर औपनिवेशिक राज्यों से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 44, किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? ये बात की है थॉमस पंथम ने। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? धार्मिक संपत्ति पर कराधान, धार्मिक स्वतंत्रता
का जो अधिकार दिया है उसमें क्लियरली लिखा है कि किसी भी धार्मिक संस्थान के ऊपर कर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, लेखक और उनकी पुस्तकें, सेम बिल्कुल बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन मुझे मतलब बहुत ही टफ लगते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें याद रखना बहुत ज़्यादा टफ है। इनको बस आपको रट्टा मार के ही आपको इनको याद रखना पड़ता है। सबसे पहले है शेल्डन ऑलिवर, इन्होंने लिखी है द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। शेल्डन ऑलिवर ने लिखी है द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद लेपावर की अल्बर्ट ने एडिट की है एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एस ई फाइनर ने लिखी है द पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अशोक चंदा ने लिखी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी के पदोन्नति के मामले का फैसला करता है मंत्रिमंडलीय समिति। निम्नलिखित में से किसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव शाखा के प्रचालनों को संविष्ट करता है, ये बात की है लूथर गुलिक ने। क्वेश्चन नंबर 49, उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे जुड़ा है, और ये जोन ऑफ इंडिफरेंस दिया है बर्नार्ड ने, ये जुड़ा है सत्ता के साथ। क्वेश्चन नंबर 50, लोक निगम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी है वो आपने बतानी है। इसे मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान है, बिल्कुल सही बात है। इसका राष्ट्रीय बजट से पृथक अपना बजट होता है, ये तीनों गलत है, बिल्कुल एक इसका ये सही है। अभिप्रेरणा के हर्जबर्ग के द्विकारक, जो टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग ने दी है, कारक में निम्नलिखित में से क्या समाविष्ट नहीं है। दोस्तों मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको देख लो और इसे क्लियर करो। उन्होंने उत्तरदायित्व की बात इसके अंदर नहीं की है, टू फैक्टर थ्योरी के अंदर जो इन्होंने हाइजीन की बात की है। परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट शब्दावली किसके द्वारा गढ़ी गई है। दोस्तों ये गढ़ी गई है यूएसए के प्रथम हूवर आयोग ने। पिछली जो जून 2013 का पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और ये रिपीट हुआ है। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि परफॉर्मेंस निष्पादन बजट 1950 में आया है। तो आपको पता है यूएस का जो प्रथम हूवर आयोग आया है वो आया है 1949 में, और 50 में ये गढ़ा गया है, ठीक है। द्वितीय जो हूवर आयोग 1953 में आया, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश नहीं है। और दोस्तों इसमें से भी आपको अपना कॉमन सेंस लगानी है, और वैसे आपको कम से कम एक बार इसको ज़रूर देखना है, प्रशासनिक सुधार आयोग की जो सिफारिशें थी पहले की भी और दूसरे की भी। तो 53 का करेक्ट आंसर है बी, संबंध मंत्रालय के सचिव को प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में हमेशा शामिल किया जाना, ये बात इन्होंने नहीं की थी। पद वर्गीकरण, निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है। पद वर्गीकरण का मतलब है कर्तव्य भार, ड्यूटीज का वर्गीकरण करना। आपको ये पद दिया गया है तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 55, अधिकारियों का पेशेवर निकाय जो स्थायी वेतनिक और कुशल होता है सिविल सेवा को, इन शब्दों में किसने परिभाषित किया। ये किया था हरमन फाइनर ने, थर्ड टाइम रिपीट हुआ ये। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंधों पर विचार किया गया है। ये जो इंग्लिश फुल्टन समिति रिपोर्ट है उसके ऊपर विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों पर विचार किया गया है कि कुछ सिविल सर्विस में क्या क्या होते हैं विशेषज्ञ और कुछ होते हैं सामान्य। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत है। ये है आर्टिकल 335 के तहत। गैंग प्लैंक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों गैंग प्लैंक का सिद्धांत दिया है हेनरी फ्योल ने, और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है अलग से, और ये जुड़ा है लेवल जंपिंग से। निम्नलिखित में से कौन सी लोक निगम की
विशेषता नहीं है। दोस्तों ये भी बहुत ही अटपटी है, यह ना तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और ना इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोक निगमों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुकदमे चलाए गए हैं और चलाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी गलत है। अखिल भारतीय सेवाएं ना तो संविधान की संघीय विशेषता का उल्लंघन करती है ना ही राज्यों की स्वायत्तता का, बिल्कुल गलत है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है, सेंटर से कोई आप स्टेट में अपना बंदा भेज रहे हो तो वो क्या है, संघीय की तो बिल्कुल ही उल्लंघना करता है, उसमें क्या है एकात्मक टाइप का हो जाता है राज्य, और इसके ऊपर बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं भारत के अंदर, ठीक है। अखिल भारत तो ए गलत है इसका मतलब, आर तो बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ए गलत आर सही। क्वेश्चन नंबर 61, अलेक्जेंडर वेंथ को आप किस श्रेणी में रखेंगे, ये है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक निर्मिति निर्मितिवाद से जुड़े हुए थिंकर। निम्नलिखित संधियों का सही कालक्रम आपने बताना है, और ये इंटरनेशनल जो आपका परमाणु न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड सारी की सारी ट्रीटीज है, और इसका सही कालक्रम है, सबसे पहले आई है सीटीबीटी आई है 1996 के अंदर, उसके बाद लैंड माइंस बैन ट्रीटी आई है 1997 के अंदर, केमिकल वेपन्स ट्रीटी आई है 1993 के अंदर, और 1997 में ये प्रभाव में आई है, तो 1993 में इनडिफिनेट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी किया गया था 1995 के अंदर। तो 62 का करेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पे मैच बन रहा है वो है बी, भी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, सूची एक को आपको सूची दो से मिलाना है, और ये पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ पे देश दिया है। संवैधानिक रूप से विकेंद्रीकृत संघ है यूके, यूके आपको पता है चार अलग अलग पार्ट से बना है, कुछ संघीय गुणों के साथ संघ, मतलब क्वासी फेडरल है भारत, परिसंघ कन्फेडरेशन जो कि पहले यूएसए था लेकिन अब नहीं है, ये है स्विट्जरलैंड, और महासंघ या फेडरेशन है यूएसए। तो 63 का सही मैच है ए, सही आंसर इसका। संचार उपागम का आविर्भाव किससे माना जाता है, दोस्तों साइबरनेटिक से इसका उभरभाव या आविर्भाव या इससे ये निकला है। क्वेश्चन नंबर 65, स्टीवन मट्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेखण तृतीय स्तर के राज्यों को चिन्हित करता है, ये चिन्हित करता है अभिशासन या गवर्नेंस का संकट। निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन की संकल्पना का उद्भव हुआ, ये आपको पता ही है लीग ऑफ नेशन जो विल्सन का 14 सूत्रीय फॉर्मूला था उसमें से एक है ये। क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संबंध है, बिल्कुल जो क्षेत्रीय दलों का उद्भव होता है और उनका सशक्तिकरण होता है ना वो आपस में संबंधित है। निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ें विशिष्ट संस्कृतियों और पहचानों में है, जो ग्रास रूट लेवल पर दलों का जो उद्भव होता है वो क्षेत्रवाद की जड़ों में संस्कृतियों के कारण ही होता है, ये बिल्कुल सही है। दोनों में क्षेत्रीय दलों की बात की गई है, इसका मतलब ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इसराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं था, और दोस्तों ये आज भी नहीं माना जाता है, वो है भारत का इतिहास और परंपरा। भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था, दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं यूएसएसआर कोई देश नहीं था, ये एक गठबंधन था, और यूएसएसआर ये भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के बीच में सुरक्षा परिषद ने इसको नहीं शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हॉटलाइन का क्या अर्थ होता है, दोस्तों ये तीनों के तीन हॉटलाइन का अर्थ होता है उपयुक्त सभी, आपने इसको एक बार देख लेना है आराम से। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंध हुए हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारे के वजह से क्या है तनावपूर्ण संबंध हुए हैं।
प्रत्येक राज्य आज अपनी विवादग्रस्त मीडिया छवि को येन केन प्रकारेण सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाता है। बिल्कुल गलत। आजकल क्या है, जो राज्य है ना, राज्य ने ही मीडिया का बेड़ा गर्क किया है, मीडिया बिल्कुल बिक चुका है। तो ये क्या विवादग्रस्त मीडिया छवि को सुधारने के लिए क्या किसी भी हद तक जा रहा है? बिल्कुल नहीं, उसको बिगाड़ने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, तो हमें आर यहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ए गलत आर सही, डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आर देखो आप, मीडिया युद्ध एजेंडा तय करता है और सहमति उत्पादित करता है। अब युद्ध एजेंडा का मतलब है प्रोपोगेंडा वो तैयार करता है, भले ही इलेक्शन से रिलेटेड हो, और उससे रिलेटेड क्या है, सहमति लोगों में पैदा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौतों को कालक्रम में आपने करना है, और ये आगरा एकॉर्ड सबसे पहले दिया है, और आगरा एकॉर्ड हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच 2001 में आतंकवाद की समस्या को लेके। ताशकंद समझौता आपको पता है, ये हुआ है 1966 में। लाहौर एग्रीमेंट अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और ये बस कूटनीति का नीति का एक पार्ट था 1999 के अंदर। शिमला एग्रीमेंट हुआ है 1972 के अंदर। तो 73 का करेक्ट आंसर है सी, 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 74, ये कुछ देश दिए हैं और इन देशों के साथ भारत की क्या समस्याएं हैं वो आपको यहाँ पे मैच करनी है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत की शुरू से ही 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो था गैर कानूनी प्रव्रजन, जो माइग्रेशन हो रही है गैर कानूनी, उससे रिलेटेड है भारत बांग्लादेश के बीच समस्या। पाकिस्तान के साथ भारत की समस्या है बगलीहार जल परियोजना को लेकर, नेपाल के साथ है अल्पकालिक मार्ग को लेकर, और चीन के साथ है त्वांग घटना को लेकर। तो 74 का करेक्ट आंसर है बी, बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 75, ये कुछ देश दिए हैं और देशों के बीच जो विवाद का कारण है वो आपको बताना है। कंबोडिया और वियतनाम के बीच विवाद हुआ है लैंड्रोंग एंड आइलैंड ऑफ बाई की वजह से, लैंड्रोंग एंड आइलैंड ऑफ बाई की वजह से। म्यांमार और थाईलैंड के बीच विवाद का मुद्दा है डाई लैंग। मलेशिया और फिलीपींस के बीच है सबा नॉर्थ बोर्नियो, और वियतनाम और फिलीपींस के बीच है स्पॉटलीज आइलैंड। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको ये इसका समझाने की कोशिश की है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।